मेरी कुकिंग न्यू के लिए भी है, जो रेसिपी देख के भी बनाते हैं तो मैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। उसके लिए छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। टाइम, कौन सी चीज़ किस टाइम में ऐड करनी है सालन में, ये बहुत जरूरी है। तो ये भी थोड़ा टाइम लेगी। जब बात हो रही है सिंपल कुकिंग की तो हमारे इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल रहेंगे। जस्ट बेसिक तीन मसाले, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आप लोगों को तोरी और कीमा बनाना सिखाऊंगी। जस्ट सिंपल कीमे को हल्दी, सूखे धनिया के साथ और हल्के से नमक के साथ बॉईल करके उसी के पानी में उसे ड्राई कर लें और फिर इसको दम देते हुए उसमें ऐड होकर। तोरी हमारी नरम हो गई है, अब हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट डालने शुरू करेंगे। सबसे पहले ये बेसिक मसाले तीनों गए, टमाटर, ये प्याज। अब सिर्फ हमें इन सारी चीजों को मिक्स करके भून लेना है। भूनने के बाद दम देना है। सब्जियां बनाने का एक ये बहुत आसान तरीका है। फिर इसको ड्राई करके थोड़ी सी देर के लिए बस दम देंगे। बना के देखेगा, कुकिंग का ना एक अपना ही तरीका होता है हर किसी का, और चाय का भी फर्क होता है। इंग्रेडिएंट बेशक सेम हो लेकिन जब आप तरीका बदलते हैं तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यही चीज कुकिंग को मेरे लिए फन बनाती है। मैं कभी किसी और तरीके से ट्राई करती हूँ, कभी किसी और तरीके से। मेरी रेसिपीज इतनी सिंपल होगी और मैं बाजार वाले मसाले इस्तेमाल नहीं करती। बिरयानी, कोरमा, फिश बिरयानी, जो कुछ भी है सब घर के इंग्रेडिएंट से। जब आपका अंदाजा बन जाएगा तो बस अच्छी अच्छी रेसिपी इसी तरह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। इतनी सिंपल कि कोई भी बना ले, कोई भी। करेगा वैसे भी गर्मियों में तोरी की सब्जी अच्छी लगती है, आप लोग उसको जरूर ट्राई करेगा। खासकर जो लोग
घर से दूर रहते हैं, कुकिंग को एक उनके लिए कुकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही बन जाती है। तो मेरी रेसिपीज मोस्टली उन्हीं के लिए होंगी, बिल्कुल सिंपल। दम देने से पहले हमें इसका पानी ड्राई करना है। थोड़ी सी पानी डालेंगे क्योंकि वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मोस्टली यूज करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी ऐड ऑन करें, हमें कोई जरूरी नहीं है। जैसे ही सब्जी तेल छोड़ेगी तो हम इसको दम दे देंगे और बस काम हो गया। अंदाजे से भी बहुत अच्छा नमक डला है। बिना खाने की शक्ल भी बहुत मैटर करती है। कुछ लोग कढ़ाई को इतना घोल देते हैं और मसालों की भरमार कर देते हैं जिसकी वजह से पूरी अपना रंग ही बदल लेती है। और आप चाहें तो इसमें सूखा धनिया साबित डाल सकते हैं, पिसा हुआ कभी मत करें, सब्जियों की रंगत उससे खराब हो जाती है। तो शोरबा वगैरह कुछ बनाना हो तो उसी में अच्छा लगता है, वरना अगर आप कुछ सब्जी बना लें तो कोशिश करें साबित धनिया डालें। ट्राई जरूर करेगा मेरी रेसिपीज को। कई लोग इस सब्जियों में स्टेज पे आगे पानी डाल देते हैं, तो सब्जी को बदमजा सा कर देते हैं। शोरबे वाली कढ़ाई बनानी है तो वो एक अलग तरीके से बनती है, ज्यादातर इसकी भुजिया ही सबको अच्छी लगती है। उसको भूलने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जैसे ही सब्जी तेल छोड़ेगी तो मैं 5-7 मिनटों से दम देंगे।
उसको एफर्ट कर सकती हूँ, तीन बिल्कुल एफर्ट ले सकती हूँ। सब्जी बनी हो उसके बाद पकाना वही हो जाएगा। मुझे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें स्टेज पे आके, करें हमें इसको चिकन बॉयल में या घी में बनाना हो बना लें, जिसमें दो तीन चम्मच बस डाल दें। सोंधा बनता आ जाता है आपकी सब्जी में, अगर आपने तेज आंच पे इसको दम देना है तो आप उसी टाइम भी देख सकते हो। तेज होना शुरू करती है, सब्जी का जायका बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे उसी में करनी चाहिए। ट्राई करूंगी कभी उसमें भी बना। कढ़ाई सब्जी बनकर तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, 5-7 मिनट का दम देना है। रोटियां बना लें, खाना देना देखो।
नॉनस्टिक यूज करें, दवाई या कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। हमारी सब्जी अब रह गई है, उम्मीद है आपको ये आसान सी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। फ्लेम ऑफ कर दिया, आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं।